धर्मेंद्र स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सेट वन है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का 300 लगभग ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूँ। क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते। एक नंबर क्वेश्चन, मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है? मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है? एक नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंडूरा, बैंडूरा। दो नंबर क्वेश्चन, आत्मविश्वास के उस स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है? आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है। दो नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा खराब कार्य, खराब कार्य। तीन नंबर क्वेश्चन, स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया? स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया? तीन नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द हो जाएगा रोसार्क, रोसार्क। चार नंबर क्वेश्चन, डी एज एम चतुर्थ में कितने आयाम हैं? डी एज एम चतुर्थ में कितने आयाम हैं? चार नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सौ हो जाएगा पाँच। पाँच नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बांस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, यह उदाहरण है? पाँच नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सौ हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन। छः नंबर क्वेश्चन, पाँच कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? पांच कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? छः नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्रेके तथा कोस्टा, मैक्रेके तथा कोस्टा। सात नंबर क्वेश्चन, बुद्धि का एस कारकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बुद्धि का एस कारकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सात नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ब हो जाएगा बिन्ने, बिन्ने। आठ नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति के आक्रात्मक मॉडल किस, व्यक्ति के आक्रात्मक मॉडल को किसने विकसित किया? व्यक्ति के आक्रात्मक मॉडल को किसने विकसित किया? आठ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सौ हो जाएगा फ्राइड, फ्राइड ने। नौ नंबर क्वेश्चन, परामर्श है, परामर्श है, परामर्श है। नौ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। दस नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में अवस्थाएँ है? संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में डैश अवस्थाएँ है। दस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ब हो जाएगा तीन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक परीक्षण है? रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक परीक्षण है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स हो जाएगा अशाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। बारह नंबर क्वेश्चन, एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहाँ जाएगा? एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहाँ जाएगा? बारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ब हो जाएगा मनोविच्छेदी, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृत, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृत। तेरह नंबर क्वेश्चन, कर्मबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है? कर्मबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है। तेरह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भय न्यूनीकरण, भय न्यूनीकरण। चौदह नंबर क्वेश्चन, मनोविद्यालिता शब्द पहले किसने प्रयुक्त किया? मनोविद्यालिता शब्द किस पहले किसने प्रयुक्त किया? चौदह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स हो जाएगा बैलर, बैलर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है? सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ब हो जाएगा नब्बे, एक सौ नौ, नब्बे माइनस एक सौ नौ। सोलह नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है? निम्नांकित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है? सोलह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सो हो जाएगा आशंका, आशंका। सत्रह नंबर क्वेश्चन, सत्रह नंबर क्वेश्चन, मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? सत्रह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पाँच, बी हो जाएगा पाँच। अठारह नंबर क्वेश्चन, इन द माइडन्स ऑफ मेन संबंधित है? इन द माइडन्स ऑफ मेन संबंधित है। अठारह नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द हो जाएगा गार्डनर मर्फी, गार्डनर मर्फी। इस नंबर क्वेश्चन, सेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं? सेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं? उन्नीस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स हो जाएगा तीन, तीन प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। बीस नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक अस्वादिता सिद्धांत संबंधित है? संज्ञानात्मक अस्वादिता सिद्धांत संबंधित है। बीस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स हो जाएगा मनोवृत्ति, मनोवृत्ति। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है? व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द हो जाएगा
उपरोक्त सभी, अ हो जाएगा ब हो जाएगा स हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, बीने ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बाईस नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर स हो जाएगा 1905 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन, विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तेईस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द हो जाएगा बेक हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, सामान्य अनुकूल संलक्षण में कितनी अवस्थाएं है। चौबीस नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स हो जाएगा 3। 25 नंबर क्वेश्चन, रूपांतर विकृत को पहले कहा जाता था। 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द हो जाएगा हिस्टीरिया। 26 नंबर क्वेश्चन, आनंद सिद्धांत संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर स हो जाएगा उपहाम। 27 नंबर क्वेश्चन, अपनी कमजोरियों को ईसरो पर आरोपित करना कहाँ जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ब हो जाएगा परिक्षेपण। 28 नंबर क्वेश्चन, व्यवहार चिकित्सा संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखना सिद्धांत व्यवहार चिकित्सा संबंधित है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन को नहीं दबाते इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि मैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का लगभग 3 सब्जेक्ट लेकर आने वाला हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।